हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हायर परचेज सिस्टम की तीसरी वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हायर परचेजर की बुक में लेजर बनाना सीखना है। और लेजर बनाना बड़ा आसान काम होता है, जर्नल एंट्री को देखकर लेजर बनाना है। बस आप मेरी वीडियो को लगातार फॉलो करते रहिए, मैं आपको बड़ी आसानी से बात सिखा दूंगा, बहुत आसान चीज़ होती है। तो वीडियो को बहुत डिले ना करते हुए बहुत जल्दी से हम आपको बोर्ड पर ले चलते हैं, जहाँ पर आपको लेजर बनाना सिखाएंगे। चलिए मेरे साथ देखें। तो सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप फॉर्मेट बहुत बढ़िया सा बनाएं। फॉर्मेट, लाइन खींचने का तरीका, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, किस तरह लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने पहली वीडियो में भी ये बात कही थी कि आपको जो प्रेजेंटेशन है वो मायने रखता है। आपने आंसर क्या निकाला है वो एक सेकेंडरी मैटर, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन के कॉन्सेप्ट पे आप काम करें। देखिए, सबसे पहला काम इन द बुक ऑफ हायर परचेजर आप लिखेंगे। आपको हायर परचेजर की बुक में आप काम करने आ रहे हैं, इसलिए इन द बुक ऑफ हायर परचेजर लिखेंगे। हम लोग आज वैगन अकाउंट बनाएंगे। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि लेजर में कौन कौन से लेजर या कौन कौन से अकाउंट खोलने हैं, ये तय करना होता है। देखिए, जितनी भी जर्नल एंट्री बनाते हैं उसी को देख के लेजर बनाया जाता है, लिहाजा आपको वही सारे लेजर यूज करने जो जर्नल एंट्री में आपने यूज किए हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप बैंक का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो अकाउंट होता है उसको छोड़कर बाकी सारे अकाउंट खोलने पड़ते हैं। अगर सवाल में एग्जामिनर ने या आपकी एग्जाम जो पेपर में अगर सवाल में लिखा हो कि ओपन नेसेसरी अकाउंट, तो आप बैंक का अकाउंट छोड़ दें और पीएल का अकाउंट छोड़ दें, बाकी सारे अकाउंट आपको खोलने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं हायर परचेजर की बुक में बात करूँ तो वेंडर अकाउंट आपको खोलना है, वैगन अकाउंट खोलना है, इंटरेस्ट अकाउंट खोलना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट खोलना है। कुल मिला के अभी फिलहाल पहले क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार अकाउंट खोलने सीखने पड़ेंगे। तो मैं जल्दी से आपको वैगन अकाउंट बनाना सिखाने जा रहा हूं। तो मेरे साथ यहां पर देखें और जर्नल एंट्री आप सामने रख लें ताकि जर्नल एंट्री देख के ही बनाया जाता है। तो मैंने पहली एंट्री आपको जो की थी 1 अप्रैल को जो जर्नल एंट्री थी उसमें मैंने लिखा था 1/4/2012 में आपने वैगन खरीदा है, और भी किससे खरीदा है, हायर वेंडर से खरीदा है, इसलिए यहाँ पे हायर वेंडर लिखा जाएगा। और अगर आप एंट्री चेक करें तो आपने लिखा था वैगन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, तो वैगन अकाउंट में टू हायर वेंडर लिखा जाएगा और रकम होगी 27,300। ये सबसे पहले एंट्री यहाँ शुरू करेंगे। और ये एक मशीन अकाउंट है, जैसा आपने 11-12 में डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हुए मशीन अकाउंट मेंटेन किया बिल्कुल वैसे ही बनता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा। फिर आपने मशीन खरीद के लाए या वैगन खरीद के लाए, किससे लाए, वेंडर से खरीद के लाए, उधार लाए, इसलिए यहाँ पर लिखा। और साल के आखिरी दिन यानी कि 31 मार्च 2012 को आप इस पर डेप्रिसिएशन लगा देंगे, तो यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन लिखना होगा आपको, ठीक है। कितना लगाएंगे, 10% कुल अमाउंट का, यानी इस अमाउंट का 10% डेप्रिसिएशन लगना है, वो यहाँ लिख देंगे। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, बैलेंसिंग करनी है, ठीक है। तो एक लाइन छोड़कर सिंगल लाइन ऊपर और डबल लाइन नीचे खींचेंगे, इस तरह साफ साफ बिल्कुल। अगर आप पेंसिल स्केल की मदद ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 27,300 लिखना है और दोनों साइड का टोटल हमेशा बराबर हो जाएगा, ठीक है जी। तो आमने सामने पहले आपने टू वेंडर करके मशीन खरीदी है और बाय डेप्रिसिएशन करके उसका डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है, और साल के आखिरी दिन इसका आपको बैलेंस निकालना है, ठीक है जी। तो 31 मार्च को आप इसका बैलेंस निकालेंगे, 31 मार्च 2012 बाय बैलेंस सीडी, बैलेंस करेक्ट डाउन करेंगे। अच्छा, बैलेंस में क्या होता है, 27,300 का टोटल है, इतने पैसे डेप्रिशिएट हो गए, तो जो पैसे बचे माइनस करके 24,570 यहाँ लिख देंगे, यानी इस टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, ये बच जाएगा। फिर इसको आप चुपचाप नीचे उतार लाएँ, एक लाइन छोड़कर लिखें, साफ साफ लिखें, क्योंकि आप एक अकाउंट में कई सालों की अकाउंटिंग कर रहे हैं इसमें। तो टू बैलेंस बी डी, वहाँ से कैरेट डाउन होगा, यहाँ पर ब्रॉड डाउन किया जाएगा, तो 24,570 जितनी रकम सीडी होगी उतनी रकम बीडी की जाएगी, जितना रकम आगे ले जाएंगे उतना आगे लाएंगे। और फिर अगले साल 31 मार्च, एक यहाँ गलती छोटी सी, यहाँ पर 13 साल के आखिरी दिन डेप्रिसिएशन लगता है, यहाँ पर 13 होगा तो यहाँ 14 कर दिया जाएगा, तो बाय डेप्रिसिएशन। फिर अगले साल फिर डेप्रिसिएशन लगेगा, एक एनुअल खर्चा होता है, ये एनुअल डेप्रिसिएशन होता है, तो अब इस बैलेंस का 10% फिर डेप्रिसिएशन लगा दें, 2,457, और फिर इसी तरह से इसको बैलेंस कर लें,
बस बहुत आसान सी बात है, कोई बहुत टेक्निकल चीज़ नहीं सीख रहे हैं आप, एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से देखें, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों साइड टोटल करेंगे और टोटल में यहाँ पे रकम लिख देंगे 24,570 दोनों साइड में टोटल हमेशा सेम अमाउंट रहता है, इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें। और 31 मार्च 14 और आखिरी दिन फिर बैलेंस सीडी। तो ये बैलेंस ऐसे ही आपका चलता रहेगा। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो 22,113 आ जाएगा। फिर बैलेंस सीडी को यहाँ बीडी करें, ठीक है, 1 अप्रैल 2014 और यहाँ पे 2 बैलेंस बीडी फिर लिख दें। और इस तरह से इसको 4 साल तक बनाते रहें, 22,113, 31 मार्च 15, साल के आखिरी दिन फिर डेप्रिसिएशन लगाना होगा। तो फिर आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखेंगे और इस बार 22,111 आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। फिर आप इसको उसी तरह से बैलेंस कर देंगे। ठीक है, मेरी बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है? एकदम एकदम आसान सा काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत टेक्निकल चीज़ नहीं है, बड़ी आसान सी, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा आपको सही करना है। तो ये टोटल लिख देंगे और फिर इसको 31 मार्च को इसका हम लोग बैलेंस निकालेंगे। तो 31 मार्च 15 लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी 19902 और फिर इसको एक बार हम लोग यहाँ नीचे ले आएंगे 1 4 15 को, यहाँ पे 2 बैलेंस बीडी लिखेंगे 19902 और 31 मार्च 16 को आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे 1990 डेप्रिसिएशन लगा देंगे और आपका बैलेंस बचेगा 17912। और आप चाहें तो इसको बैलेंस यहाँ पर 1 4 16 को 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन करके छोड़ दें और आपका ये 4 साल का आपका ये अकाउंट रेडी। इसको बाकी एक्स्ट्रा लाइन आप मिटा दें और आपका यहाँ पे बात खत्म हो जाएगी। इसके बाद फिर हम लोग अगले अकाउंट की तरफ जाएंगे। तो बहुत आसान सा है, आप फिर से मेरे साथ देख लें, मैंने बहुत बड़ा बहुत टेक्निकल काम नहीं किया। वैगन अकाउंट बना रहे हैं, हमने वैगन वेंडर से ख़रीदा था तो वैगन अकाउंट में 2 वेंडर करके डेट डाल के लिख देंगे। 31 मार्च को हर साल डेप्रिसिएशन लगाएंगे, बैलेंस को कैरी डाउन करेंगे, फिर ब्रॉड डाउन कर लेंगे। इस तरह से धीरे धीरे ये प्रोसेस करके अकाउंट बन जाएगा। एक ही प्रोसेस 4 बार अप्लाई करना है, आसान से तैयार हो जाएगा। अगर आपको सवाल में डायरेक्ट लेजर मांगा हो तो जल एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना और सीधे अकाउंटिंग यहाँ पे कर लेंगे। इसके बाद अब हम लोग बनाएंगे वेंडर अकाउंट बनाएंगे। लेजर में दूसरा अकाउंट हायर वेंडर अकाउंट खोला जाएगा, बिल्कुल जैसे हमने वैगन अकाउंट खोला था वैसे इसको बनाएंगे, तरीका बिल्कुल सेम है। लेकिन वैगन जो है वो डेबिट हुआ था तो वेंडर क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, क्योंकि वेंडर हमारा क्रेडिटर से, इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। और जल एंट्री में आप देखेंगे तो वेंडर को पहले क्रेडिट किया गया है। अब देखें तो स्टार्ट यहाँ से करेंगे। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सबसे पहला पॉइंट 1 अप्रैल 12, हमने उस जो वेंडर है उससे एक वैगन खरीदा था तो बाय वैगन्स लिखेंगे। ये वैगन्स अकाउंट खोला था, वहाँ से हमने वैगन खरीदा था 27,300 रुपये का, तो यहाँ पे एक एंट्री पास की जाएगी। आप जल एंट्री देख के पोस्ट करें, पहले एंट्री थी वैगन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, तो वैगन डेबिट था और वेंडर क्रेडिट था, मैंने वैगन क्रेडिट कर दिया। अच्छा, वेंडर अकाउंट में वैगन लिखेंगे, वैगन अकाउंट में वेंडर लिखेंगे और वहाँ डेबिट में शुरू किया था, यहाँ क्रेडिट शुरू करेंगे। फिर क्या किया था हमने, इन वेंडर से मशीन खरीदने के बाद या वैगन खरीदने के बाद हमने इनको पहला पेमेंट किया था, जो इसे डाउन पेमेंट करते 1/4/12 को 2 बैंक लिखकर यहाँ पर इनको डाउन पेमेंट कराया था। कितना कराया था, 6,000 रुपीज़, ये लिख देंगे। फिर उसके बाद 31 मार्च को 13 में वैगन खरीदने पर, क्योंकि डिले हुआ था पेमेंट को, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट होता है तो यहाँ पर इंटरेस्ट लगाया गया था, आप इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे 1065, ये हो जाएगा। फिर साल के आखिरी दिन इनको पहली किस्त अदा की गई थी और यहाँ 2 बैंक करके लिखा जाएगा। मैं वापस रिपीट करता हूँ, शुरुआत कहाँ से करेंगे वेंडर अकाउंट में, बाय वैगन से, जो एसेट खरीदा है उससे यहाँ शुरू करेंगे। यहाँ एसेट खरीदी, डाउन पेमेंट किया, इंटरेस्ट लगाया, पहली किस्त दे दी और यहाँ पर मेरा पहला साल ख़त्म हो जाता है। एक लाइन छोड़कर यहाँ पे बैलेंसिंग की जाएगी, ये मैं बैलेंस कर रहा हूँ और जैसे वहाँ बैलेंस करते वैसे यहाँ ऊपर सिंगल लाइन नीचे डबल लाइन, इनका टोटल करेंगे 28,365 हो जाएगा।
28,365 और फिर हम साल के आखिरी दिन इसका बैलेंस कैरी डाउन कर लेंगे यानी बैलेंस निकाल लेंगे टू बैलेंस बीडी सॉरी बैलेंस सीडी यहाँ निकाला जाएगा तो 28,365 12 निकल जाएगा 16,365 बचेगा 16,365 रुपये और जो चीज़ कैरेट डाउन होती है वही ब्रॉड डाउन होगी एक लाइन छोड़ के 1430 ठीक है। अब एक और बात बिल्कुल क्लियर कर लें जब 31 मार्च को क्लोजिंग करेंगे तो सीडी लिखा जाएगा कैरेट डाउन और फिर वही जो जितनी रकम कैरेट डाउन होगी वही ब्रॉड डाउन होगी तो यहाँ से यहाँ तक आने में अगला दिन लगता है 31 मार्च के बाद अगला दिन 1 अप्रैल और 1 अप्रैल को बाय बैलेंस बीडी लिखा जाएगा ब्रॉड डाउन कर रहे हैं 16,365 रुपये। अब क्या होगा 31 मार्च 2014 को हम दूसरा इंस्टॉलमेंट के लिए इंटरेस्ट पेमेंट करें ड्यू कराएंगे यहाँ पे इंटरेस्ट तो 818 रुपये का इंटरेस्ट आया था और फिर 31 मार्च 2014 को हमें सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कराना है तो टू बैंक लेकर सेकेंड इंस्टॉलमेंट 6,000 की पे करा देंगे और सिमिलरली अब बैलेंसिंग कर देंगे यहाँ पर तो ऊपर सिंगल लाइन नीचे डबल लाइन एकदम ऐसे ही हर बार ऐसे ही करना है सफाई का बिल्कुल ख्याल रखें तो ये हो जाएगा 17,183 रुपये 17,183 और एक बात ध्यान से दोनों साइडें हमेशा बराबर होंगी टोटल बराबर होगा आमने सामने लिखा जाएगा बहुत सफाई से लिखें अगर आप ऐसा फॉर्मेट बना कर उसमें आप लिख कर दे देंगे एग्जामिनर बिल्कुल पूरे मार्क्स देगा बैलेंस फिर बैलेंस कैरी डाउन कर लिया जाएगा 17,183 में से यहाँ जाएगा तो 11,183 रुपये बच जाएंगे फिर इस बैलेंस को फिर नीचे उतारा जाएगा 1414 1 अप्रैल 2014 बैलेंस ब्रॉड डाउन किया जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन ठीक है जी फिर बैलेंस आ जाएगा फिर साल के आखिरी दिन फिर 31 मार्च 15 को जो मैंने फाइनेंशियल का आखिरी दिन है वहाँ पे फिर इंटरेस्ट लगाएंगे ओके और यहाँ पे 559 फिर उसके बाद 31 मार्च 2015 टू बैंक करके तीसरी किस्त चुकाएंगे वो भी कितने की है 6,000 रुपीज़ की है और फिर इसी तरह से बैलेंसिंग की जाएगी सिंगल लाइन ऊपर डबल लाइन नीचे ये डबल लाइन का मतलब होता है मेरा साल यहाँ पर क्लोज हो रहा है अब यहाँ पर हम लोग जब टोटल करेंगे तो 11,742 रुपये हो जाएगा 11,742 इधर भी लिखेंगे और फिर इसकी बैलेंसिंग की जाएगी 31 मार्च 2015 टू बैलेंस सीडी तो यहाँ पे 5742 अगर आप इंटरेस्ट को सामने रखेंगे तो यही सारी बैलेंसेज वहाँ भी आ रहे होंगे अगर आप देखेंगे सामने रख के तो आपको बात समझ में आएगी कि बहुत आसान सी चीज़ है ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है बस इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सामने रखिए सारी वैल्यूज मिलती जाएंगी आप फटाफट लिखते चले जाइए और सब एक पैटर्न है एक यूनिफॉर्म तरीका है एक साल समझिए बाकी धीरे धीरे उसको पैटर्न वाइज आप पीछे लिखते चले जाइए 5742 लेकिन ये इसको आपकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फिर आखिरी इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं 31 मार्च 2016 को इंटरेस्ट लगाएंगे इंटरेस्ट फिर वैसे ही लिखना है लेकिन इस बार 258 का इंटरेस्ट लगेगा और फिर यहाँ पर 31 मार्च 2016 और यहाँ पे टू बैंक करके चौथी और आखिरी किस्त आप पेमेंट कर देंगे और जैसे ही आप आखिरी किस्त पेमेंट करेंगे आपका बैलेंस नहीं बचेगा और बैलेंस नहीं बचेगा मतलब आपका ये अकाउंट पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ भी 6,000 आ जाएगा और यहाँ भी 6,000 आ जाएगा बिल्कुल क्लियर कोई दिक्कत नीचे की जो एक्सेस लाइन है आप मिटा दें बिल्कुल साफ से लिखें एक और बात मैंने नोटिस किया मैं लास्ट वीडियो डाला था उस पर मुझे कमेंट्स आए हैं कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी लगी लिखने का तरीका बहुत अच्छा है आपको भी अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करें लाइक करें और कोशिश करें इस तरह लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस से आएगा लेकिन आ ज़रूर जाएगा अगर आपने जहन में बैठा लिया कि हमको अच्छा साफ सुथरा लिखना है तो खूबसूरत आप लिख सकते हैं तो मैंने सबसे पहले क्या करूँ फॉर्मेट बनाया है वेंडर अकाउंट खोल रहे हैं वेंडर अकाउंट में बाय वैगन ही हमने वेंडर साहब से वैगन खरीद
खरीदा 27,300 रुपए का, फिर हमने उसको तुरंत डाउन पेमेंट किया, फिर पहले साल के एंड में इंटरेस्ट लगाया और पहली किस्त चुका दी, इतने पैसे बच गए। यानी कि ये जो रकम देख रहे हैं 16,365, ये इनको देने बाकी है। मैं हायर वेंडर साहब का कर्जदार हूँ 16,365 पहले साल के एंड पर। फिर बैलेंस नीचे आएगा, अगले साल का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा या ड्यू किया जाएगा, टोटल करेंगे, पहली किस्त का पेमेंट करेंगे, फिर बैलेंस बच जाएगा। जैसे जैसे हम पेमेंट करते जाएंगे मेरा कर्जा कम होता रहेगा और साल के आखिरी में आकर यह 30-34 साल के एंड बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। अब हम उसके कर्जदार नहीं बचे क्योंकि मैंने चार की चारों किस्तें अदा कर दी। इन दो अकाउंट के बाद अब तीसरा अकाउंट बनाएंगे, या तो आप डेप्शन अकाउंट बना ले या इंटरेस्ट अकाउंट बनाए। तो हम आपको बताते इसके तुरंत बाद अभी बताते हैं कि इंटरेस्ट अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी डाउट आता है कहीं से आप दोबारा देख लें, कॉल कर लें, पता कर लें, कोशिश करें कि साफ साफ लिखें, बिल्कुल एकदम कायदे से, करीने से, खूबसूरती के साथ लिखें। और जितना खूबसूरत लिखेंगे उतनी जल्दी सीख जाएंगे। जल्दी सीखने के लिए प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, और प्रैक्टिस में इस चैप्टर के प्रैक्टिस की बात करें तो दूसरा तीसरा अकाउंट जब लोग खोल रहे हैं वो कौन सा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट। और डेप्शन जो है वो वैगन अकाउंट में आपने क्रिएट किया तो यहाँ क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यानी यहाँ पर आएंगे और 31 मार्च 2013 को वैगन अकाउंट से ला रहे हैं तो टू वैगन अकाउंट लिखेंगे और 2730 रुपये रकम हो जाएगी, ठीक है। मेरी बात समझ, मैंने क्या बोला, डेप्शन अकाउंट एक एक्सपेंडिचर होता है, डेबिट होता है, तो डेप्शन अकाउंट डेबिट टू हायर वैगन एंट्री बनेगी, हायर वैगन, और फिर यहाँ पे डबल लाइन खींच के ऐसे बंद कर देंगे और 31 मार्च 2013, क्योंकि नॉर्मल अकाउंट का रूल है इसको तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए 2730 रुपये, और यहाँ पर डबल लाइन खींचे मतलब एक साल ख़त्म। फिर नेक्स्ट ईयर जाएंगे, सेम काम करना है, 31 मार्च 2014 और टू क्या लिखना है, टू वैगन। और अगले साल जो हमने रकम लिखी थी वो 2457 आई थी, आप वैगन अकाउंट में जाके देखें, ये सेकेंड ईयर का डेफिशन है। और फिर यहाँ पे डबल लाइन खींच के साल बंद और 31 मार्च 2014 को, और फिर इसे कहाँ भेज देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब समझ पा रहे, एक ही काम बार बार करना है तो इसे एक दो बार ही हम आपको बनाना सिखाएंगे, उसके बाद आप खुद सीख जाएंगे कैसे करना है। तो ये दो साल कंप्लीट हो गए। थर्ड ईयर में जाएंगे, लास्ट डेट को डेप्शन लगता है, लास्ट डेट लिखेंगे थर्ड ईयर की, और वैगन अकाउंट से ला रहे हैं तो यहाँ पे वैगन्स अकाउंट लिख दीजिए कुछ इस तरह से, वैगन्स अकाउंट, और यहाँ पर 2221 आपका डेप्शन आया था, फिर दो लाइन खींच के बंद, 31 मार्च 2015 को, फिर इसे कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, पीएल अकाउंट, क्योंकि सारे नॉमिनल अकाउंट साल के आखिरी दिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, ठीक है। चौथा साल, लास्ट आखिरी साल, यहाँ पे 31 मार्च 2016 और यहाँ टू वैगन फिर लिखेंगे, ठीक है। और अगली बार 1990 का डेप्शन आया था वो यहाँ लिख देंगे और 31 मार्च 2016 इसको फिर से यहाँ पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और यहाँ पे आपकी बात हो गई ख़त्म और आपका अकाउंट भी ख़त्म। टू लाइन खींचेंगे, काम को एक्स्ट्रा लाइन मिटा दें, बिल्कुल साफ है, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट बनता है, सॉरी डेप्शन अकाउंट बनता है, वैसे ही इंटरेस्ट बनेगा। बस ये जो डेप्रिसिएशन है ये वैगन से आता है और इंटरेस्ट हायर वेंडर अकाउंट से आएगा। तो इसको देखने कैसे बनाते हैं इसको हम लोग, तो इंटरेस्ट अकाउंट खोलेंगे, आखिरी दिन इंटरेस्ट लगाया था 31 मार्च 2013, यहाँ पर टू हायर वेंडर लिखा जाएगा, ठीक है। हायर वेंडर्स अकाउंट से ला रहे हैं और पहली बार इंटरेस्ट 1065 का आया था, डबल लाइन खींच देंगे क्योंकि ये भी नॉर्मल अकाउंट है और कोई ट्रांजैक्शन होना नहीं है, और इसको यहाँ पे फिर वापस पीएल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और डबल लाइन। सिमिलरली 31 मार्च 2014 को फिर अगले साल का इंटरेस्ट हायर वेंडर अकाउंट से अप्लाएंगे, और अगले साल का जो इंटरेस्ट आया था वो 818 आया था, फिर इस तरह से दो लाइनें खींच के क्लोज करेंगे, 31 मार्च 2014 लिखा जाएगा यहाँ पे, बाय पीएल लिखा जाएगा, और इसे कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र। ये दो साल हो गए, ऐसे तीसरा साल बनेगा, फिर चौथा साल 15 टू हायर वेंडर, कितने रुपये आए थे, 559। आप सारे अकाउंट लिंक हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को देखकर बनाएं, जल्दी से सीख जाएंगे,
और बनाने का तरीका एक जैसा है, बस फटाफट बस लिखते चले जाइए जल्दी जल्दी, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा ये देखने में, क्योंकि मुझे सब याद है, मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ तो सारे फिगर्स याद हो गए, इसलिए हमको कहीं देखना नहीं पड़ रहा है। लेकिन आप पहली बार पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा देखना चाहिए बार बार कि रकम कहाँ से आ रही है, क्योंकि आप याद तो अभी कर नहीं सकते, ठीक है। और फिर इसको पीएल में भेजेंगे और यहाँ पे मेरा ये आपका इंटरेस्ट अकाउंट भी कवर हो जाता है। तो फिर से एक बार स्टार्ट कर लें। जब लेजर बनाने की बात आएगी, सवाल में आपसे कहा जाएगा नेसेसरी अकाउंट खोलो, तो आपको ये चार अकाउंट बनाने पड़ेंगे जिसमें बैंक और पीएल का अकाउंट नहीं बनाते। और अदरवाइज अगर सवाल में कह दिया जाए कि वैगन अकाउंट बनाए, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाए, वेंडर अकाउंट बनाए, तो जिस अकाउंट को बोलेगा आपको वो बनाना पड़ेगा। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक राय है, एक सुझाव ये है कि पहले आप हर अकाउंट को बार बार बनाएं, हर सवाल को बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे आपको एक प्रैक्टिस हो जाए, तो आप आसानी से फिर उसमें हेर फिर कर पाएंगे, जल्दी कर पाएंगे, शॉर्टकट में कर पाएंगे। लास्ट में फिर भाई एक जो अपील की जाती है सब्सक्राइब लाइक के लिए जरूर करें, ताकि हम आपको एक क्रैश कोर्स बहुत ईमानदारी से सारे क्वेश्चन के साथ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ कवर कर पाएं। तब तक के मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।